हमारी फिल्म का मुख्य उद्देश्य यह था गांव गुआंड गोत्र में शादियां ना हो, और दूसरा मुद्दा उसका भी हमारा यह था कि खाप क्या है, क्योंकि आजकल खापों को तालिबान कहा जाता है, खापे तालिबान नहीं है, खापे तालीम दान है, शिक्षा देने वाली हैं। तो उस फिल्म का मुद्दा यही थे जो आज खाप पंचायत के मुद्दे थे। लगभग 90% मुद्दे मेरी फिल्म में मैंने ऑलरेडी लोगों को दिखाए। वह मैंने लोगों को दिखाया कि जिसकी लड़की भाग जाती है, युवा जिसके भाग जाते हैं, उसके बाप पे क्या गुजरती है, उसका बाप कैसे सारी उम्र अपना मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता, उसके भाई कैसे दब दब के जीना शुरू कर देते हैं। तो वो है ना, एक दृश्य के माध्यम से युवाओं को मैंने जागरूक करने का प्रयास किया कि आप गलतियाँ कर सकते हैं उम्र के जोश में, पर उसके बाद का रिजल्ट ये है। सेफ हाउस की मैंने परिस्थितियां दिखाई, जो सेफ हाउस में लड़के लड़की भाग के जाते हैं, कोर्ट उनको सेफ हाउस में भेज देता है, तो वहाँ पर क्या हालत होती है, उनकी उमंगे खुमारी इश्क मिजाजी है ना, वो सारी सेफ हाउस में जाते आधी तो वहीं ख़राब हो जाती है, उनकी ख़त्म हो जाती है, ये गलत हो गया। मैं आपका सतीश चंद्र सिसार, फिलहाल आप देख रहे हैं, देखने लग रहे हो बिंदास हरियाणा। फिलहाल भाई धनौता गाँव के अंदर मौजूद थे, और धनौता गाँव में एक सरोखा पंचायत हुई है, महापंचायत कहवाएंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में जो चारों तरफ के जो हरियाणा लेवल के चौधरी आए हुए थे और बातचीत हुई है, ऐसे मुद्दे पर, ऐसे जबरदस्त मुद्दा जो फिलहाल गांव के अंदर एक बहुत ही खतरा बना हुआ है, जैसे भाई लिव इन रिलेशनशिप है, लव मैरिज है और समलैंगिकता है, ऐसे मुद्दे जो बहुत ही मतलब समाज में फैलते जाने लग रहे हैं। फिलहाल हमारे बिंदर धनौता मौजूद है, बातचीत आपके करा देंगे। नमस्कार भाई जितेंद्र भाई, बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। बिंदर भाई, फिलहाल आपने देखा मॉल, एक एक चीज़ बिल्कुल बड़े ध्यान से चली है, क्या लगा कितना समाज पर आज की जो महापंचायत हुई है इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, आप देखना इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर बातचीत होती रही है और आज पूरे उत्तर भारत की खाप पंचायतें बुलाई है, गांव धनौता की पवित्र भूमि के बिनैन खाप के चबूतरे पर हमने आज खाप पंचायत करी है, और उत्तर भारत के जितने लोग प्रतिनिधि खाप प्रतिनिधि चल के आज सभी ने एक मत से स्वीकार किया है कि ये जो चीज़ें समाज में गाँव गुआंड गोत्र में लड़कियाँ भाग रही हैं, लड़के भाग रहे हैं, और समलैंगिकता है, जैसे काफ़ी मुद्दों पर यहाँ पर खुला डिस्कशन हुआ है, खापों के प्रति युवाओं की सम्मान कैसे बढ़े, खापों के लिए युवाओं के दिलों में, तो काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। और आप देखना इतने पुरजोर तरीके से पूरे खाप प्रतिनिधियों ने कहा है कि हम सभी एकजुट होकर इस बुराई के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे प्रधानमंत्री तक हमको जाना पड़े, बिल्कुल जाएंगे। बिंदर भाई बात किया जाओ तो सेफ हाउस आपकी एक वेब सीरीज आई थी, हमने वो बिल्कुल ध्यान से देखी, और एक गांव का माहौल भाई किस प्रकार बदलाव होने लग रहा है उसमें दर्शाया था, लगभग जो आपके उद्देश्य था और आज की महापंचायत का उद्देश्य था लगभग 90% का उसमें मिलता नजर आया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सतेंद्र भाई, जैसे हमारी फिल्म का मुख्य उद्देश्य यह था गांव गुआंड गोत्र में शादियाँ ना हो, और दूसरा मुद्दा उसका भी हमारा यह था कि खाप क्या है, क्योंकि आजकल खापों को तालिबान कहा जाता है, खापे तालिबान नहीं है, खापे तालीम दान है, शिक्षा देने वाली हैं। तो उस फिल्म का मुद्दा यही थे जो आज खाप पंचायत के मुद्दे थे। लगभग 90% मुद्दे मेरी फिल्म में मैंने ऑलरेडी लोगों को दिखाए। वह मैंने लोगों को दिखाया कि जिसकी लड़की भाग जाती है, युवा जिसके भाग जाते हैं, उसके बाप पे क्या गुजरती है, उसका बाप कैसे सारी उम्र अपना मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता, उसके भाई कैसे दब दब के जीना शुरू कर देते हैं। तो वो है ना, एक दृश्य के माध्यम से युवाओं को मैंने जागरूक करने का प्रयास किया कि आप गलतियाँ कर सकते हैं उम्र के जोश में, पर उसके बाद का रिजल्ट ये है। सेफ हाउस की मैंने परिस्थितियां दिखाई, जो सेफ हाउस में लड़के लड़की भाग के जाते हैं, कोर्ट उनको सेफ हाउस में भेज देता है, तो वहाँ पर क्या हालत होती है, उनकी उमंगे खुमारी इश्क मिजाजी है ना, वो सारी सेफ हाउस में जाते आधी तो वहीं ख़राब हो जाती है, उनकी ख़त्म हो जाती है, ये गलत हो गया। और कुछ फिर आगे आगे जैसे पता चलता है कि पिताजी फांसी खा गया, भाई कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा, और कुछ चीज़ें फिर वहाँ आके ख़त्म हो जाती है, तो उनको पता हमने दृश्य के माध्यम से दिखाया लोगों को कि ये चीज़ें गलत है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको रोकना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा समाज के भी प्रति और अपने परिवार के प्रति भी। कहीं ना कहीं भाई साहब, जैसे आपसे उसमें एक दृश्य हुआ है कि भाई जब कोर्ट में जाए आप बाहर आते हो तो एक गांव तो एक बूटा लिखा है, उस क्या कुछ सोच के एक परिस्थिति दिखाई है, क्या लगा है कितना मतलब उसके बाद में जुड़ाव हुआ और पूरे पूरे गाँव बाहर निकल गए थे? वो आंदोलन जैसे उस फिल्म में दिखाया गया, मेरा एक ही मानना है कि कहीं ना कहीं परमात्मा करे ये आंदोलन वही स्वरूप ले जो हमारी फिल्म का है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है, हर परिवार का मामला है। तो आपको सभी को उठना पड़ेगा, या चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट डालें या लोगों को जागरूक करें, अपने गोत्र व्यवस्था क्या है, अपने गांव के रिश्ते क्या हुआ है, अगर भाईचारा क्या हुआ है, तो कहाँ लड़की को शादी करनी चाहिए, कहाँ अपना प्यार ढूंढना चाहिए। प्यार के खिलाफ मेरे हिसाब से कभी खाप में नहीं रही हैं, इनका मुद्दा इतना ही है कि प्यार भी करना है, लव करना है, इश्क करना है, तो कम से कम गांव गुआंड और गोत्र में ना हो।
बात की जाए पंचायत में ओनर किलिंग एक ऐसा शब्द है जिसको लेके मैं जो पंचायतें खास पंचायतें हैं बहुत सारी बदनाम भी की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य हमने सुनने नहीं मिला भाई खां ने फैसला कर दिया मार दो, ये एक सुनने मिला भाई हाँ चलो इन्हें गलत काम कर दिया गांव लकड़ा हो जाएगा, ऐसी चीज़ें भी देखने को समझ। ये जो मीडिया हाउसेज बने बैठे हैं दिल्ली में है अपने नोएडा में बैठे हैं, इनको वास्तविकता क्या है धरातल की उनको नहीं पता है, समाज क्या है खां पंचायतें क्या है इनका सोचने का तरीका क्या है ये कैसे फैसले देती है, वो केवल और केवल सुनी सुनाई और मनगढ़ंत बातें सुन के कहीं ना कहीं तो वो खापों का उन्होंने एक तालिबानी जो स्वरूप दिखा दिया है। मैं उनको कहूँगा कि एक बार आप धरातल पर आकर खापों के बारे में स्टडी करें रिसर्च करें, यदि खापे ना हो तो पूरे देश में कोर्ट कचहरी इतने भर जाएंगे पूरी सदियाँ लग जाएंगी फैसले नहीं होंगे भारत के, तो लगभग 70% के आसपास तो झगड़े गांव में खा पंचायतें और पंचायतें सुलझा देती है, कुछ फैसले ही कोर्ट में जाते हैं जो आज भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो खा पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है समाज को दिशा देने में समाज को संस्कार देने में और झगड़े निपटाने में काफ़ी योगदान है, तो खापों का जो इमेज है प्रदर्शन है वो गलत ना दिखाया जाए मीडिया के माध्यम से, मैं यही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। बहुत फिलहाल भाई द्रोदा गांव तो आप तो जुड़े था और लगातार जो पंचायत हुई थी उसकी चीज़ें आपके सामने लेके आए, क्या कुछ फैसला हुआ है सब कुछ आपने देख लिया होगा, इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।